नमो बुद्धाय। हम लोग का आज सीखेंगे दीर्घ निकाय में एक सुंदर उपदेश। ये सुंदर सूत्र उपदेश का नाम है अग्गण्य सूत्र। क्या नाम है? अग्गण्य सूत्र। ये सूत्र उपदेश से भगवान बुद्ध अच्छी तरह से समझाए हैं इसी जीवन तथा अगले जीवन, ये दोनों जीवन में सारे लोगों का कल्याण के लिए सुंदर बातें। ये अग्गण्य सूत्र में तथागत ने बताया ये पृथ्वी नष्ट होने के बाद ये धरती का जो मानव प्राणी फिर मानव रूप में कैसे बन जाता है। हम लोगों को ये सूत्र उपदेश सीखने के बाद अच्छी तरह से समझ में आता है भगवान बुद्ध ये पृथ्वी, ये लोक, ये मानव जन्म, ये सब कुछ के बारे में पूरा जान गए थे। उनका ये ज्ञान आश्चर्य है। हमें ये सूत्र उपदेश से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस संसार में बहुत ही समय के बाद भगवान बुद्ध जो बताया गया सूत्र उपदेश सुनने में लगता है। बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध के नाम लेकर के अपना अपना बात बोल करके भगवान बुद्ध की उत्तम रास्ता को अपवित्र करता है, गंदगी बनाता है। इसलिए भगवान बुद्ध के नाम से अभी संसार में झूठ मूठ उपदेश है। भगवान बुद्ध के नाम से इस संसार में मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमें भगवान बुद्ध के शुद्ध ज्ञान बहुत मुश्किल से मिल जाता है। ऐसे होने का कारण है बहुत सारे लोगों के पास अपना बातचीत है लेकिन भगवान बुद्ध प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। ऐसा होने का कारण श्रद्धा नहीं होना ही है। श्रद्धा नहीं होने के कारण भगवान बुद्ध जो बताया वो ज्ञान उसी प्रकार कोई मानते नहीं हैं। अपन अपना बात पे अटकते रहते हैं। अपना बात ही अपना ज्ञान जी समझ के निकाल देता है। अगर जो कोई भगवान बुद्ध की उपदेश उसी प्रकार से ही सुन लिया तो उन्हीं का जीवन में शांति मिल जाता है। तथागत भगवान बुद्ध के सूत्र उपदेश सुनने के बाद लगता है कि भूखे आदमी खाना खा के पेट भर गया जैसा सुख मिल जाता है। वैसा एक चमत्कार भगवान बुद्ध के सूत्र उपदेश में है। लेकिन ऐसा सुख शांति मिल जाता है भगवान बुद्ध प्रति पसंद मन से सूत्र उपदेश सुनना पड़ेगा। ये सूत्र उपदेश करते समय भगवान बुद्ध थे श्रावस्ती में पूर्व आराम आश्रम में। विशाखा ने एक आश्रम बना दिया। ऊपर तल्ला में 500 कमरा है, नीचे तल्ला में 500 कमरा है। 1000 कमरा का एक सुंदर आश्रम बना के आर्य महासंघ, भगवान बुद्ध इत्यादि आर्य महासंघ को पूजा की है। विशाखा बहुत बड़ा परिवार के हैं। वो बचपन से ही सोतापन हो गए। जिस समय सोतापन हुई है उस समय विशाखा का उम्र 7 साल। उतना छोटा में वो भगवान बुद्ध की रास्ता को पकड़ लिए हैं। उस समय वासिष्ठ एवं भारद्वाज की दो भंते जी उपसंपन्न होने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। उपसंपन्न मतलब कोई भी आदमी भगवान बुद्ध के शासन में आके चीवर पहनेंगे तो उनको 10 सील मिल जाता है। आपको 5 सील है, प्राणियों का हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है,
झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है। लेकिन भंते लोगों को जीवन ऐसा नहीं, प्राणियों का हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचारी पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है और नशा नहीं करना है, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना है, नृत्य गाना वाद्य वगैरह सुनना नहीं चाहिए, सेन पाउडर क्रीम वगैरह लगाना नहीं चाहिए और ऊंच महान आसन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोना चांदी पैसा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 10 है उपसंपन्न, मतलब 227 सील को अपनाना पड़ेगा निर्वाण के रास्ते पे जाने के लिए। भगवान बुद्ध ये सील का नियम बना दिए। तो ये वासेट एवं भारद्वाज दोनों बनते जी वो 227 सील लेने के लिए सब कुछ सीखते सीखते रहते। उस दिन भगवान बुद्ध पूर्व आराम आश्रम में जहाँ चाहें वहाँ पे जा कर के चक्रमण कर रहे थे। ये देखने के बाद वो दोनों बनते जी, कौन है वो, वासिष्ठ एवं भारद्वाज दोनों बनते जी बात किया, वो देखिए भगवान बुद्ध चक्रमण कर रहे हैं, हम लोग भी वहाँ चलेंगे, अगर हम लोग वहाँ पे गए तो भगवान बुद्ध जी से कुछ ना कुछ ज्ञान की बात सुन सकते हैं। ऐसे सोच के भगवान बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध जी से थोड़ा सा साइड होके ये दोनों भी साक्षात्कार कर रहे थे। हम लोग भी ऐसा कभी कभी करते हैं ना, किसी साथ बात करना चाहे थोड़ा बगल में जा कर के साइड में रहते हैं, कुछ ना कुछ इसके बाद बात में लग जाता है। तो ये दोनों भंते जी देखने के बाद भगवान बुद्ध उन लोग से पूछ रहे हैं, वासिष्ठ आप लोग जो समाज में उच्च जात माना जाता है उसी ब्राह्मण जात से आकर के चीवर पहन लिए हैं, आप लोग ब्राह्मण परिवार से आकर के चीवर पहन लिए हैं, इस कारण पे ब्राह्मण जात के लोग आपको दोष नहीं लगाता, आपको डांटते नहीं है। इसके बाद वासिष्ठ एवं भारद्वाज ये दोनों भंते जी ने बताया तथागत भगवान बुद्ध जी, ये ब्राह्मण लोग हम लोगों को हमेशा डांटते हैं, गारी देते हैं, बदनाम करते हैं। भगवान बुद्ध पूछ रहे थे तो वासिष्ठ कैसे वे लोग आप लोगों को बदनाम करते हैं, डांटते हैं। तो वासिष्ठ भारद्वाज दोनों बनते जी बताते हैं भगवान बुद्ध जी, वो ब्राह्मण लोग हम लोगों को इसी प्रकार डांटते हैं कि ब्राह्मण लोग ही श्रेष्ठ होता है, बाकी सभी लोग नीच हैं, ब्राह्मण लोग ही वर्णन हैं, उंच हैं, बाकी सारे लोग हीन हैं, ब्राह्मण लोग पवित्र हैं, बाकी सभी लोग अपवित्र हैं। ब्राह्मण मतलब महाब्रह्म जी का बेटा है, महाब्रह्म जी का मुंह से जन्म लिए हैं, मुख तो जातं। ब्राह्मण मतलब महाब्रह्म जी उल्ट किया है मुंह से, महाब्रह्म जी का दहेज है उन लोग पाया है, वे लोग ब्राह्मण हैं। ये जो महाब्रह्म मतलब कौन माना जाता है, जैसे कि दूसरा धर्म में ईश्वर माना जाता है, पूरा धरती बनाया, ये सब कुछ बना दिया, वैसे ही है बहुत सारे लोग महाब्रह्म को मानते हैं, महाब्रह्म जी ने ये सब कुछ बना दिया है, इसीलिए लोग कहते हैं सब कुछ सर्वबलधारी सर्वज्ञ सर्वेश्वर
वो महाब्रह्म जी का मुंह से निकल गया है ब्राह्मण जात के लोग। ऐसे है तो ब्राह्मण के ब्राह्मण लोग महाब्रह्म जी का मुंह से निकल गया, बाकी सभी लोग महाब्रह्म जी का शरीर में जगह जगह से निकल गया। शास्त्रीय राज परिवार के लोग भगवान के दोनों हाथ से निकल गया है। इसके बाद वैश्य समाज के लोग महाब्रह्म जी की दो जांग से निकल गया है। इसके बाद शूद्र लोग अछूत लोग महाब्रह्म जी के तलवा से निकल गया है। ऐसा ब्राह्मण समाज के रहने वाले लोग मानते थे। ऐसे बोल करके वासिष्ठ भारद्वाज दोनों भंते जी भगवान बुद्ध को बताते हैं, भगवान बुद्ध जी ऐसे बात बोल करके ब्राह्मण लोग हम लोगों को डांटते हैं, तुम लोग कौन हो, तुम लोग बाल मुंड किए हुए श्रमण हैं, बहुत बड़ा पापी हैं, तुम लोग महाब्रह्म जी का तलवा से जन्म लिए हो, तुम लोग किसी लिए ये श्रमण बन गए हो, तुम लोग किसी लिए नीच हो गए हो ब्राह्मण जात से जा करके। देखिए ऐसे हैं तो आदमी लोगों का दिमाग में कितना मिथ्या दृष्टि थे भगवान बुद्ध के समय में। भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ ब्राह्मण लोग वो सारे बातें बोलते हैं, उन लोग ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सारे लोग नीच हैं, ब्राह्मण लोग ही ऊंचे हैं, बाकी सारे लोग नीच हैं, ब्राह्मण लोग पारिशुद्ध हैं, बाकी सभी लोग अपवित्र हैं, ब्राह्मण लोग महाब्रह्म जी का बेटा है, महाब्रह्म जी उल्ट किया हुआ है, बाकी सारे लोग दूसरे हैं, ऐसा बोल करके वैसा बोलता है ब्राह्मण लोग। भगवान बुद्ध बता रहे थे वासिष्ठ देखिए ये ब्राह्मण समाज को देखिए, ब्राह्मण समाज में लड़की लोग बड़ा हो जाती है, ब्राह्मण समाज में ये स्त्री लोग ही शादी करके गर्भवती बन जाती है, उसी ब्राह्मण औरत लोगों को बच्चे मिल जाता है, वो औरत लोग अपना बच्चा लोग को दूध पिलाती हैं, आंखों के सामने ये सब कुछ दिखाई देता है समाज में, फिर भी ये ब्राह्मण लोग कहता है ब्राह्मण जात के लोग महाब्रह्म जी के मुंह से निकल गया है। भगवान बुद्ध ने बताया सचमुच में ब्राह्म नाम से इस दुनिया के लोग हैं, तो जो महाब्रह्म जी से महाब्रह्म जी ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, सचमुच में ब्रह्म है इस संसार में, ऐसा करके बहुत सारे लोग मानते हैं, देवताओं को बदनाम करते हैं। अगर कोई मिथ्या विश्वास पे है तो जैसे कि महाब्रह्म जी ने हम लोगों को बनाया, ईश्वर ने हम लोगों को बनाया, ऐसे मिथ्या विश्वास पे रह करके बात बोल दिया तो पाप मिल जाता है, क्योंकि वे लोग पाप करते हैं, मिथ्या बात बोलते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए वासिष्ठ ऐसे हैं तो ये समाज में मानव चार प्रकार से दिखाई देता है, वो है क्षत्रिय परिवार, ब्राह्मण परिवार, वैश्य परिवार, शूद्र परिवार। ब्राह्मण मतलब पूजक लोग,
पुजारी लोग, क्षत्रिय मतलब राज्य पालने वाले लोग, वैश्य मतलब बिजनेस खेती उती करने वाले लोग, शूद्र मतलब जो दूसरों का घर में जा कर के नौकरी करने वाले लोग। ये इंडिय समाज में, भारत के समाज में बहुत जगह मिल गया ब्राह्मण लोगों को। भारत के समाज में जो एक किताब थे मनुस्मृति जैसा, उसी किताब के अनुसार वेद के हिसाब से अगर कोई नीच परिवार के लोग ब्राह्मण लोगों का वेद को पढ़ लिया तो उन लोग का मुंह में आग डालना चाहिए, कान से सुन लिया तो कान में आग डालना चाहिए, पढ़ लिया तो जीभ निकालना चाहिए। ऐसा समाज था भारत में, तथा भारत में ऐसा कोई शास्त्रीय परिवार भी होता है जो प्राणियों को हत्या करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली गारी फालतू बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, लोभ करते हैं, तथा कोई ब्राह्मण लोग भी होते हैं, हत्या करते, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं, चुगली गारी आलतू फालतू बात और लोभ क्रोध मिथ्या दृष्टि होते हैं, तथा कोई कोई वैश्य लोग भी होता है ऐसा गलत काम करने वाले, तथा शूद्र लोग भी होता है ऐसा गलत काम करने वाले। भगवान बुद्ध बताएं वहाँ से, अब देखिए वो समाज में चार जात के लोग, कोई कोई लोग हैं पाप करने वाले, ये सारी चीज ये जो पाप है ये सब गलत है, ये सारे पाप से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार प्रकार की जात समाज में होता है। अगर वे लोग प्राणियों को हत्या नहीं किया तो, चोरी नहीं किया तो, व्यभिचार नहीं किए तो, झूठ नहीं बोले तो, चुगली नहीं करेंगे तो, कठोर नहीं बोलेंगे तो, आलतू पालतू बात नहीं बोलेंगे तो, व्यर्थ नहीं बोलेंगे तो, दूसरों को सुख संपत्ति पर लोभ नहीं करेंगे तो, तथा क्रोध नहीं करेंगे तो, सम्मादिट हैं तो, बताया पुण्यवान वासेट है, वो चार जात के लोग सचमुच में धार्मिक हैं, कुशल पुण्य करते रहते हैं, श्रेष्ठ होता है। वासिष्ट ये चार जात में पुण्य करने वाले लोग भी होते हैं तथा पाप करने वाले लोग भी होते हैं। ये देख देख के ब्राह्मण लोग बताते हैं हम लोग ही श्रेष्ठ है, बाकी लोग नीच हैं, हम लोग ऊंच हैं, बाकी लोग ऊंच नहीं हैं, हम लोग पवित्र हैं, बाकी लोग अपवित्र हैं, हम लोग महाब्रह्म जी के मुंह से निकल गए, बाकी लोग बाकी जगह से निकल गए, हम लोग महाब्रह्म जी का दहेज हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं, ऐसे करके बोलते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ वो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये चार जात के लोग आ करके बुद्ध शासन में आता है, आ करके चीवर पहनते हैं, पहन के सील सुरक्षा करते हैं, तथा आँख कान नाक जीभ शरीर मन इंद्रिय शांत करता है, चार सतिपट्ठान में मन लगा के शरीर मन वाणी को शांत करता है, 37 बोधिपाक्षिक धर्म को बढ़ाता है, तथा गंदगी को मिटा के उत्तम आर्य सत्य को प्राप्त करके सभी दुख से मुक्त होते हैं। अब देखिए ये
धर्म की रास्ता पे कोई भी जात का, कोई भी परिवार के, कोई भी लोगों को आगे बढ़ सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है। भगवान बुद्ध ने बताया वही लोग ही श्रेष्ठ होता है जो सारे दुख से मुक्त होते हैं। चार जात से वे लोग ही श्रेष्ठ हो जाते हैं, उत्तम होता है, पवित्र होता है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए वासेट, आप देखिए ये कौशल राजा के बारे में। ये कौशल राजा तथागत भगवान बुद्ध को कैसे पहचानते हैं वो भगवान बुद्ध के बारे में बोलते हैं। ये तथागत भगवान बुद्ध शाक्य परिवार से आकर के चीवर पहन लिए हैं, अनुत्तर है, उत्तरीतर है। ये शाक्य परिवार के लोग कपिलवस्तु शहर के लोग हैं। कपिलवस्तु शहर के लोग कौशल राजा को देखने के बाद तुरंत आसन से उठते हैं, कौशल राजा के पास जाकर के नमन करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए वासिष्ठ, ऐसा शाक्य लोग राजा को इज्जत करने पर भी राजा बहुत ही इज्जत करते भगवान बुद्ध को। दूर से ही राजा भगवान बुद्ध को नमन करके आते हैं, सुजातो सुमनो गौतमो विज्जातो हमास्मि। अरे ये श्रमण तथागत भगवान बुद्ध कितना सुंदर जन्म हुआ, मेरा जन्म तो एकदम बेकार है। बालो समनो गौतमो दुब्बलो हमास्मि। तथागत भगवान बुद्ध कितना बलशाली हैं लेकिन मैं दुर्बल हूँ। पाशादिको समनो गौतमो दुग्गतो हमास्मि। तथागत भगवान बुद्ध कितना सुंदर है, मैं तो कुरूप हूँ। महेशक्को समनो गौतमो अप्पे सक्को हमास्मि। तथागत भगवान बुद्ध महेशा के होता है, बहुत भाग्यवान होता है, मैं तो अल्पेशा की उतना भाग्य नहीं हूँ। ऐसे करके कभी कभी कौशल राजा तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया वासेट, ये कौशल राजा धर्म को ही इज्जत करते हैं, धर्म को ही सत्कार सम्मान करते हैं। धर्म के हिसाब से ही, धर्म के चलते कौशल राजा ऐसा इज्जत करता है। अगर आप भी भगवान बुद्ध की रास्ता पे जाएंगे तो अपना शरीर मन वाणी शांत करेंगे तो आप भी तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता पे जा करके ज्ञान प्रैक्टिस करेंगे तो सभी लोग आपको नमन करते हैं। लेकिन आपका शरीर को नमन नहीं करते हैं बल्कि आपके पास जो ज्ञान है, आचरण है, उसी ज्ञान को नमन करते हैं, ये गंदगी शरीर को नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया वासेट, आप लोग याद रखिए, धम्म मेव सेट्टो जने तस्मिं दिट्ठेव धम्मे अभिसंपरायच। इस जन्म में तथा अगले जन्म में भी संसार के रहने वाले सारे मानव को, देवता को, सबको श्रेष्ठ होता है सिर्फ धर्म। धर्म ही इसी जन्म अगले जन्म सारे जगह पे श्रेष्ठ होता है। ऐसे है तो याद रखना चाहिए, हम लोग ये रूप से श्रेष्ठ नहीं होते हैं, हम लोग आवाज़ से हम लोग महान नहीं होते, हम लोग यश कीर्ति से उत्तम नहीं होते तथा धन से भी नहीं, सुख संपत्ति से भी हम लोग उत्तम नहीं होते हैं। हम लोग उत्तम होगा तो होगा सिर्फ धर्म से, श्रेष्ठ होगा तो जरूर श्रेष्ठ होगा सिर्फ धर्म से। भगवान बुद्ध ने बताया इस जन्म अगले जन्म दोनों जन्म में श्रेष्ठ होता है सिर्फ धर्म। तो भगवान बुद्ध ने बताया वासेट, किसी भी व्यक्ति को अगर बिना हिलने वाले श्रद्धा है तो श्रद्धा निविठा, उसी श्रद्धा
दिल तक आ गया तो मतलब जड़ आया हुआ श्रद्धा है, तो जड़ आ गया तो श्रद्धा हिलता नहीं है। ऐसा कोई दृढ़ श्रद्धा है तो ऐसा कोई श्रमण या कोई ब्राह्मण, कोई देवता, कोई किसी को भी कभी भी नहीं हिला सकता है। वैसा श्रद्धा है तो उसी में से सबसे श्रेष्ठ होता है अरहंत लोग। भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ, वो जो ब्राह्मण लोगों ने जो बताया बात अरहंत लोगों को तो कह सकता है। वो कैसा है? मैं भगवान बुद्ध की बेटा हूँ, भगवतो पुत्तो हमस्मि। मैं भगवान बुद्ध की दिल से जन्म लिया हूँ, और स पुत्तो। मैं भगवान बुद्ध की उत्तम श्री मुख से जन्म लिया हूँ, मुख तो जातो। मैं धर्म से ही जन्म लिया हूँ, धम्म जातो। मैं धर्म से ही बन गया हूँ, धम्म निट्ठितो। मैं धर्म का दहेज हूँ, धम्म दायादो। ऐसा बोलना है तो अरहंत लोगों को ही कह सकता है। क्यों? वे लोग भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा से ही धर्म की रास्ता पे जा करके सभी दुख से मुक्त हो गए हैं। अब देखिए भगवान बुद्ध जी क्या समझाते हैं मानव को। भगवान बुद्ध समझाते हैं इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों जन्म में सिर्फ धर्म ही श्रेष्ठ होता है, बाकी कुछ जात पात, सुंदर कुरु, अमीर गरीब तथा बलवान दुर्बल, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ धर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है। ये लोक के बारे में, धरती के बारे में भगवान बुद्ध की जानकारी, भगवान बुद्ध के ज्ञान आश्चर्य है, कमाल है। भगवान बुद्ध जो कुछ बताता है और किसी को खोज भी नहीं पाता है, इतना ही गहर ज्ञान उनके पास है। उनके पास एक ज्ञान है लोक विदु, लोक के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी उनके पास है। अभी तक वैज्ञानिक लोग शुरू में हैं, कुछ अच्छे से खोजा तक नहीं, आज खोजता है कल बदल जाता है। लेकिन जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले जो कुछ बताया अभी तक वो सत्य है। भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ, बहुत ही समय जाने के बाद ये लोक, ये धरती नष्ट होता है। ऐसे है तो ये धरती नष्ट होना आजकल होता है क्या? नहीं, बहुत ही दीर्घ समय जाने के बाद ही ये धरती नष्ट होता है। ऐसे है तो ये सूरज, चांद इत्यादि सौर मंडल ही नष्ट हो जाता है। उसी समय इस धरती पर रहने वाले सारे प्राणी आभस्वर ब्रह्मलोक में जा करके प्रकाश बन जाता है। प्रकाश बन जाते मतलब उसी जगह पे उन लोग का विज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन उन लोग दिखाई देता है प्रकाश जैसा। आभस्वर ब्रह्मलोक में ये भूयेन सत्ता आभस्वर संवत्तिका होती। ऐसे है तो ये धरती नष्ट होने के बाद सारे प्राणी संपूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है। उसी समय जिस जगह पे जाना चाहे उसी जगह पे वे लोग जन्म लेते हैं। सभी लोगों को है मानसिक शरीर, मनोकाया। सभी लोग प्रीति अनुभव करते हैं, प्रीति भाग का, अपना शरीर से प्रकाश निकाल के रहते हैं। स्वयं पभा आसमान में घूमते घूमते रहते हैं, आंतलिक खचारा। वे लोग बहुत सुंदर हैं, वे लोग बहुत ही दीर्घ समय तक जीवन बिताते हैं। भगवान बुद्ध ने बताया बहुत ही समय जाने के बाद ये पृथ्वी फिर बन जाता है। इसका मतलब ये पृथ्वी इत्यादि सारे ग्रह वापस बन जाता है। उस समय वो आभस्वर शरीर जो पाया
वैसा प्राणी जो लाइट जैसा रहता है, ये लोग उसी जगह से छन होके ये धरती पे आता है। उस समय सूरज चांद कुछ नहीं है। सूरज चांद नहीं होने के कारण दिन रात महीना कुछ नहीं है। ऐसे है तो ये ग्रह तारका कुछ नहीं है। उसी समय कोई शनि का दशा है या शुक्र का दशा है, मांगली दशा है, ऐसा कुछ दिक्कत उस समय नहीं थे। ये बाद में नया बन गया ये सब चीज। इन लोग अंधकार में आकर के घूमते घूमते धरती पे आ जाता है। इन लोग धरती पे गिरने के बाद धरती दिखाई देता है जो अच्छा से बनाया हुआ दही जैसा, दही बन गया जैसा धरती दिखाई देता है वे लोगों को। इसके बाद ये लोग और थोड़ा नजदीक आकर देखते हैं। देखने के बाद वो दही जैसा धरती से धमक आने लगता है। इसके बाद एक सोचता है ये कैसा होगा, ऐसे सोच के अंगुली से थोड़ा सा लेकर के जीभ में लगा देता है। जीभ में लगाने से इसको पूरा रस मिल जाता है, पूरा आसक्त होता है, पूरा टेस्ट। इसके बाद वो क्या होता, उसी रस पे आसक्त होने के कारण उस पे घुस जाता है। घुस के क्या करता है, और अंगुली से लेकर के जीभ में लगाता है। ये देख करके जो रहते हैं दूसरे लोग, ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी हूर हूर के अंगुली से लेकर के वो दही जैसा मिट्टी मुंह में डालता है। इसके बाद सभी लोग ये रस पे आसक्त होता है। देखिए अभी भी ऐसे होता है ना, तुरंत कुछ मिलने के बाद सभी लोग जीभ में थोड़ा लगा के देखता है, थोड़ा नाक के पास अगर कुछ केला या फल या कुछ भी तुरंत दे दिया तो तुरंत सूंघता है या जीभ में डाल के देखता है, वही याद है तभी तक। इसके बाद ये लोग ये पृथ्वी का रस लड्डू जैसा बना के काते काते रहते समय धीरे धीरे वे लोगों का शरीर का प्रकाश चन हो जाता है। ऐसा कुछ समय जाने के बाद फिर सूरज एवं चांद प्रकट हो जाता है, दिखाई देता है। उसके साथ साथ दिन रात बन जाता है और महीना ये सब बन जाता है। बहुत समय जाने के बाद वे लोगों का शरीर बहुत मुलायम थे, फिर लाइट था, लाइट खत्म हो गई। इसके बाद शरीर धीरे धीरे कठोर हो जाता है। अभी उन लोगों का शरीर से निकलने वाले सारे प्रकाश खत्म, शरीर कठोर हो गया। सूरज का प्रकाश धरती पे आने के बाद एक दूसरे से दिखाई देता है कौन सुंदर है कौन कुरूप है। सुंदर लोग कुरूप लोग को कहता है देखो तुम्हारा शरीर कैसा है, देखो मेरा शरीर कैसा है। ऐसा बोल के लोगों का मन में अहंकार घमंड उत्पन्न होता है। ऐसे अहंकार घमंड उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी का रस, पृथ्वी का टेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसके बाद वे लोग अफसोस करने लगता है, अरे ये धरती में, धरती पे पहले कितना टेस्ट था, कितना रस अच्छा था, कितना बहुत अच्छा स्वाद था, लेकिन अब कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया इसलिए अभी भी लोगों को कुछ खाने के लिए मिल गया तो तुरंत बोलता है वाह बहुत अच्छा
टेस्ट है, क्योंकि वो पुराना आदत है। उसी आदत से अब भी लोग कहते हैं कुछ अच्छा खाने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग नहीं जानते थे, फिर भी हम लोगों को ऐसा शरीर मिला हुआ होगा। हम लोग उस समय हुए होते होंगे, क्या पता। अभी भी देखिए, आप लोग अगर अभी से 20, 30, 50 साल पहले, 50 साल ले लीजिए, 50 साल पहले आपका घर में कोई खाना वाना कोई बना दिया, तो चाहे दाल आटा का रोटी या बहुत कुछ बना दिया, तो कितना धमाकते थे। आप घर में चपाती दाल वगैरह बनाते समय उतना धमाक तो नहीं है, सब्जी बनाते कोई धमक नहीं है। धीरे धीरे आदमी का मन गंदा होने के कारण धरती का रस नष्ट हो जा होते रहता है। ये पृथ्वी का रस छन होने के बाद वे लोग फिर खोज रहे हैं खाने के लिए क्या मिलेगा। इसके बाद इस धरती पे उस समय जन्म लेता है धरती का पापड़, उसी का नाम भूमि पापट। ये एक मशरूम जैसा, मशरूम जात का है भूमि पापट। भूमि पापड़ ये थोड़ा सा मद जैसा, एक रोटी जैसा, मद जैसा टेस्ट है, रोटी जैसा है। भगवान बुद्ध ने बताया ये एकदम मद, मद का प्लेट जैसा है। ये लोग खाने के लिए लेता है, बहुत टेस्ट है। ये खाना शुरू करने के बाद सभी लोगों का शरीर और कठोर हो जाते हैं। कोई कोई लोग सुंदर दिखाई देता है, कोई कोई लोग और कुरूप दिखाई देता है। ऐसा एक दूसरे से अलग प्रकार से देखने से बताता है, आप देखो मेरा सुंदर कितना है, देखो तुम्हारा, तुमसे ज्यादा मैं सुंदर हूँ। भगवान बुद्ध ने बताया उसी आदत अभी भी है, उसी आदत से अभी भी लोग तुरंत अपना शरीर देख करके दूसरा का शरीर देखता है, देख के तुरंत सेटिंग करता है, उसका बाल से कहते मेरा बाल अच्छा है, उसका आँख से कहते मेरा आँख अच्छा है, उसका बॉडी से कहते मेरा बॉडी अच्छा है, उसका नाक से कहते मेरा नाक अच्छा है। ऐसा करके आजकल भी लोग एक दूसरे से उसी आदत से देखता है, अहंकार घमंड से। उसी समय जो लोग भूमि पापड़ खाते खाते ऐसा कठोर होने के कारण धीरे धीरे उन लोग का अहंकार घमंड बढ़ गया। ऐसे बढ़ने के कारण भूमि पापड़ छन हो गया। फिर वे लोग खोज रहे थे अब क्या खाएंगे। खोज के रहते समय एक लाती देखा, धरती से निकला हुआ लाती। ये जैसा तैसा लाती नहीं है, ये लाती कहाँ सकता है। ये लाती का नाम है बदालता लाती। वे लोग तुरंत देखने के बाद खाने लगता है। खाने से वे लोगों का शरीर और कठोर हो गया, और प्रकट हो गया, और दिखाई देने लगा एक दूसरे का शरीर। ऐसा बहुत समय खाने के बाद बदलता लती भी चन हो गया। इसके बाद वे लोग बहुत दुख हो गया, अरे हम लोगों को ऐसा ऐसा प्रकार की खाना था, हम लोग खाए थे लेकिन सब चन हो गया। भगवान बुद्ध ने बताया आज भी उसी आदत से लोग कहता है, कोई दुख आ गया तो लोग कहता है अरे अरे हम लोगों को ऐसा ऐसा सुख था, ऐसा ऐसा संपत्ति था, सब खत्म हो गया। ऐसे बोल बोल के चिल्ला उल्ला के लोग पछताते हैं उसी आदत से अभी भी। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे होने के बाद वे लोग फिर भी खोज रहा है क्या खाने का है। दिखाई देता है एक चावल, साली चावल। उस समय वो साली चावल बिना छिलका का है, छिलका है ही नहीं चावल में।
बहुत सुगंध, बहुत धमकता है। सभी लोग क्या करता है, वो चावल लेकर के खाना शुरू कर देता है, सुबह भी जा करके चावल खाना शुरू कर देता है, शाम में भी जा करके चावल खाता है, फिर दूसरे दिन सुबह जा करके चावल खाता है तोड़ के, फिर शाम में भी जाकर जहाँ चावल है वहाँ जाकर खाता है। ऐसा खाते खाते उन लोगों का शरीर और कठोर हो गया और दिखाई देने लगा एक दूसरे का शरीर। इसके बाद दिखाई देने लगा स्त्री शरीर अच्छी तरह से दिखाई देने लगा तथा पुरुष का शरीर भी अच्छी तरह से दिखाई देने लगा। इन लोग पहचान गए ये स्त्री है ये पुरुष है। स्त्री को देखने के बाद तथा स्त्री पुरुष को देखने के बाद राग उत्पन्न हो गया, काम की विचार उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के बाद वे लोग काम भोगने लगा, काम वासना में रक्त हो गया। ये देखने के बाद दूसरे लोग बताया, तुम लोग को पागल है क्या, क्या कर रहा है ये, ऐसे करके मिट्टी से मारते थे, पत्थर से मारते थे। ये सूत्र उपदेश में है, भगवान बुद्ध ने बताया। उसी आदत से आजकल भी लोग शादी करते समय दोनों कपल को आज भी मिट्टी से मारता है। उस समय भारत में थे ये सारे आदत, अभी भी कोई कोई लोग पूल से मारता है, पानी से मारता है, गंदा पानी से मारता है, लाली से मारता है, उसी आदत से। ऐसे स्त्री पुरुष संबंध होने के बाद वे लोग क्या करता है, इन लोगों को मारता है। वे लोग गांव में नहीं आता है, दूर जा करके घर द्वार बना के रहता है। क्यों, गांव में नहीं आ सकता है, मारता है। ऐसे दोनों दोनों मिलकर के अपना अपना घर बना के दूर में जाता है। इसी प्रकार से गांव का निर्वाण, गांव का निर्माण शुरुआत हो गया। ऐसा बहुत समय जाने के बाद घर द्वार बना के गांव में जो रहते हैं उसी परिवार में से कोई एक लोग सोचने लगा, मैं रोज सुबह शाम जा करके ये चावल खाते आना पड़ता है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए एक ही बार चावल को काट के लेके आऊँगा। ऐसे करके तीन चार दिन के लिए चावल काट के लेके आया। दूसरी दिन बगल वाला घर का आदमी आकर के पूछा, चलो चावल खाने के लिए, ये बताया नहीं जाएंगे। पूछा क्यों, बताया हम दो तीन दिन के लिए चावल लाया। इसके बाद वो सोचा, बाप रे बहुत आसान तरीका ये खोज लिया, मैं भी ऐसे करूँगा। ऐसे करके वो भी दो तीन दिन के लिए चावल लेके आया। ऐसे चावल काट के लेके आने से क्या होता है, जहाँ चावल का पेड़ था वहाँ फिर चावल जन्म नहीं लेता है। इसके बाद जहाँ चावल का पेड़ था वहाँ चावल नहीं है, धान बन गया, धान का उत्पादन शुरू हुआ। धान मतलब छिलका के साथ चावल, छिलका भी हैं। ये लोग मिल करके बातचीत किया, देखो हम लोग का जीवन को क्या हो गया, कहाँ थे हम लोग, हम लोग को मनो में शरीर थे, आसमान में घूमते थे, शरीर से प्रकाश निकाल के रहते थे। इसके बाद हम लोग ये धरती को जीभ से चाट के खाना शुरुआत किया। इसके बाद हम लोग का शरीर का प्रकाश चन हो गया, धीरे धीरे पृथ्वी का रस खत्म हो गया। इसके बाद भूमि पापड़ बन गया, अंत में वो भी खत्म हो गया। इसके बाद बदालता आ गया, बदालता लाती भी फिर खत्म हो गया। इसके बाद साली चावल आ गया, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद अभी सिर्फ धान है, वो भी छिलका के साथ। पहले जैसा अच्छा से जन्म भी नहीं लेता है ये चावल, ये धान। इसलिए हम लोग एक काम करेंगे, हम सभी लोग मिल करके
हम लोग का गांव घर के बगल बगल में घेरा बना के हम लोग का अपना अपना जगह अलग करेंगे, तो आप इसी जगह से रोज खाइए चावल ला के, धान लेके जाइए। ऐसे करके सीमा शुरुआत किया। ऐसे करके लोग बोलने लगा, ये मेरा जगह है, वो तुम्हारा जगह है। ऐसे करके अलग 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 करके सभी लोग सीमा बना दिया। ये शुरुआत थी। अब क्या हुआ, उसी जगह पे कोई एक था, उसको लोभ ज़्यादा है, ये सोचा मेरा जगह वैसा ही रहने दे, मैं जाकर के उसी का जगह से चोरी छुप के जा कर के धान काट के लेके आऊँगा, ले आ कर के खाऊँगा। ऐसे सोच के धान चोरी करके लाते समय पकड़ा गया। ए रुको, तुम चोरी किया ना? वो बताए, जी हाँ हम चोरी किया। तुमको एक जगह दे दिया ना, तुम उससे खुश हो जाओ, ऐसे कभी मत करना वापस। ऐसे करके छोड़ दिया। दूसरे दिन भी ये सोचा, उसी जगह का उसी आदमी का खेत में गया तो पकड़ा जाएगा, लेकिन दूसरा का गया तो कौन पकड़ेगा। ऐसे करके दूसरा का खेती में जा करके धान चोरी किया, वो भी पकड़ा गया। बताया, तुमको कल भी बताया ना ऐसे नहीं करने के लिए, तुम आज भी चोरी किया, फिर कभी भी ऐसे मत करना, अगर किया तो दंड दे देंगे। तीसरे दिन का सोचा, ठीक है उसी दोनों आदमी का खेत में नहीं जाएंगे, लेकिन और किसी का खेत में जाएंगे। ऐसे जा कर के चोरी करते समय वो पकड़ा गया। बताया, रुको तुम बात नहीं मानता है, ऐसे बोल करके पत्थर से मारा और एक डांटा से मारा और चीज से उसको मार दे लोग मिल करके। इसके बाद सभी लोग मिल करके बातचीत किया, मीटिंग किया, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम सभी लोगों का मन में गंदगी उत्पन्न हो गया है, सभी लोग का मन में चोरी करने का मन आ गया है, इसीलिए एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू कर देता है, झूठ बोलता है, इसी प्रकार के गया तो भविष्य में अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम सभी लोग मिल करके अच्छा कोई सभी लोगों का मुखिया बनाना चाहिए, उसी को सारे काम दे देंगे, उसको दंड देने का हक है, अगर चाहे तो भगा भी सकता है, सारे फैसिलिटीज उसको दे देंगे, वो हमारा मुखिया बन जाएगा। हम सभी लोग जो मुखिया जी को धान काटता उससे काट के हम लोग का उसको दे देंगे, सब नहीं थोड़ा थोड़ा दे देंगे, वो ही हम लोग का मुखिया ही रहेगा। इसके लिए लंबे सुंदर बुद्धिमान अच्छा कोई होना चाहिए, साधारण निर्णय लेने वाले। ऐसा करके सभी लोग सम्मत कर लिया, सभी लोग संकल्प लेकर के महासम्मत नाम से एक मुखिया को बनाया, उसका नाम महासम्मत। महासम्मत मतलब सभी लोग सम्मत होके बना दिया है, मिल करके बना दिया। अंत में उसी महासम्मत सारे जमीन का मुखिया बन गया, वो राजा बन गया, खेती का राजा बन गया। इसीलिए उसका नाम आ गया क्षत्रिय, खेतानंग अधिपति इति खत्यो, सारे खेतों का आधिपत्य होने के कारण क्षत्रिय हो गया। तथा और धार्मिक हो गया, दूसरे लोग खुश करवाने वाले राजा बन गया। इसीलिए बताता है धम्मेन परे राज्यतीति राजा। इसी प्रकार पुराना दुनिया में जात का शुरुआत हो गया, कुल का शुरुआत हो गया। ऐसे बोल करके भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ, लेकिन इस जन्म में तथा अगले जन्म में
सभी चीज़ों में से श्रेष्ठ होता है सिर्फ धर्म, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, ये लोगों में से कोई कोई लोग थे अपना चीज़ पे जो कुछ हो उस पर पसंद नहीं थे, बोलते थे अरे ये लोग नीच विचार वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, चोरी करना शुरू किया है, हम लोगों को ये क्या हुआ, हम लोग कहाँ थे लेकिन कहाँ आ गया। ऐसे सोच के रखे आज भी लोगों को ये काम पर पसंद नहीं हुआ। वे लोग गांव को त्याग कर दिया, जंगल में जा कर के अकेले अकेले कुटिया बना के रहने लगा, खाना खाने के लिए सिर्फ एक बर्तन लेकर के गांव में आता है, आकर के भिक्षाटन करके भोजन लेकर के वापस जंगल में जाते हैं। गांव के लोग बात करने लगा ये क्या है, ये लोग गांव को किस लिए छोड़ दिया, पूछा। वे लोग बताया हम लोग पापी नीच गंदगी को दूर करते हैं, उसी नाम से उन लोगों का नाम आ गया ब्राह्मण। इसका मतलब पापी अकुशल विचार को बहर कर दूर करने वाले, पाप के अकुशले धम में बाहिन तीति ब्राह्मणा, पाप के अकुशले धम में बाहिन तीति ब्राह्मणा मतलब पापी अकुशल धर्म को भस्म करने वाले ब्राह्मण है। इसके बाद आदमी लोग देखे हैं ये लोग क्या करते हैं, देखा है ये लोग बैठ के पैर झुका के आंख बंद करके क्या करते हैं, वे लोग भावना करते हैं, ध्यान करते हैं। वे लोगों को एक नाम आ गया, इसके बाद दूसरा नाम झाय का, ब्राह्मण लोगों को और एक नाम आ गया झाय का। लेकिन सभी लोगों को जंगल में जा कर के ध्यान नहीं कर पाता है, कोई कोई लोग कर सकता था, जो नहीं कर सकते ये लोग क्या किया, धीरे धीरे जंगल को त्याग करके गांव की सीमा में आ करके कुटिया बना दिया, बना के आसमान देख करके तारा देख करके गिन के नक्षत्र बना दिया, ज्योतिष बना दिया, पेड़ पौधा देख करके दवा हुआ लिखना शुरुआत किया। इसके बाद आदमी लोग देख लिया ये लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, साधना नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोगों को और एक नाम आ गया ध्यान नहीं करने वाले अध्याय का। इसी प्रकार ब्राह्मण समाज बन गया। ऐसे नहीं है तो ये देवता महाब्रह्म जी बनाया का बात नहीं है, भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ। उसी प्रकार ये ब्राह्मण समाज आ गया धर्म के अनुसार। ऐसे नहीं है तो ये ब्राह्मण किसी का बनाने की बात नहीं है, धर्म से ही वे लोग श्रेष्ठ हो गया। उसी जगह पे और लोग थे, वे लोग राजपाट नहीं किए, ध्यान साधना भी नहीं किए, घर द्वार बना के खेती उती करके अपना गाय वगैरह संभाल के तथा बिजनेस करते करते व्यापार करते रह गए। ये लोग कई प्रकार के कर्म अंत करने लगे, इसलिए वे लोगों को नाम आ गया वैश्य। भगवान बुद्ध ने बताया वासिष्ठ, उस वैश्य परिवार के लोग उसी प्रकार जन्म हुआ है, धर्म से ही ये सब होता है। बल्कि कोई ईश्वर या कोई ब्रह्म बनाया नहीं,
इसीलिए इस जन्म में तथा अगले जन्म में सिर्फ धर्म ही श्रेष्ठ होता है। भगवान बुद्ध ने बताया वासेट, चाहे शास्त्रीय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, ये कोई भी हो सकता है। जो कोई शरीर से दुष्कर्म करके, वाणी से दुष्कर्म यानी कि पाप करके, मन से दुष्कर्म पाप करके, मिथ्या दृष्टिक होके, मिथ्या विश्वास की ओर से जा करके रह गया तो वे लोग मरने के बाद नरक में चल जाता है। नरक में जाने के लिए कभी दिखता नहीं कौन सा जात है, कौन सा परिवार है, कौन सा कुल है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया वासिट, चाहे वो क्षत्रिय हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो सकता है, चाहे वैश्य हो सकता है, चाहे वो शूद्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो कोई शरीर से शुभ कर्म करेंगे तो यानी कि पुण्य करेंगे तो, वाणी से पुण्य करेंगे तो, मन से पुण्य करेंगे तो, शरीर मन वाणी से अच्छा कर्म करेंगे तो, सम्मा दिट्ठि में रह गया तो, सही विश्वास की ओर से रह गया तो, वे लोग मरने के बाद सुख मिलने वाले स्वर्ग में जन्म लेते हैं। स्वर्ग में जन्म लेने के लिए भी जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है। और तथागत ने बताया, चाहे वो शास्त्रीय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, ये कोई भी शरीर से दुष्कर्म करेंगे तो, कोई कोई लोग शरीर से पुण्य भी करता है, वाणी से पाप भी करता है, वाणी से पुण्य भी करता है, तथा मन से पाप भी करता है, मन से पुण्य भी करता है। ये लोग लेकिन पाप और पुण्य विश्वास करके, सम्मा दृष्टि होके, सही दृष्टि बना के, ये लोग सम्मा दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि दोनों मिला के मरने के बाद सुख दुख वाले जगह पे जन्म लेता है, यानी कि मनुष्य लोक में। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, शास्त्रीय हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, ये कोई भी शरीर से शांत हो गया तो, वाणी से शांत हो गया तो, मन से शांत हो गया तो, आर्य रास्ता अपनाया तो, आर्य रास्ता अपना के सारे दुख खत्म करके निर्वाण को प्राप्त हो गया तो, वे लोगों का अरहंत कहते हैं, दुख से मुक्त हो गए हैं। ऐसे है तो अच्छी तरह से समझ में आता है, हर जन्म में धर्म ही श्रेष्ठ होता है, धर्म ही उत्तम होता है, और कुछ नहीं। भगवान बुद्ध ने बताया, आप देखिए वासिष्ठ, ये सनंद कुमार महाब्रह्म जी भी, भगवान महाब्रह्म जी का नाम क्या बताया, सनंद कुमार महाब्रह्म जी भी भगवान बुद्ध के बारे में ये बात बताया, अगर जो कोई गोत्र का जात का खोज के गया तो सारे जनता में श्रेष्ठ होता है क्षत्रिय वांशिक लोग, लेकिन देवमानव से श्रेष्ठ होता है विद्याचरण संपन्न गुण से युक्त। देवमानव का श्रेष्ठ तथागत भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने बताया, पुण्यवान वासिष्ठ, सनंद कुमार महाब्रह्म जी वो जो बात बताया है वो अच्छी तरह से बताया है, सुगीता, गलत से बताया नहीं, न दुख गीता, वो कल्याण की भाषिता है, सुभाषिता, वो गलत बात नहीं है, न दुभाषिता, वो आरत की बात है, अर्थ संहिता, अनर्थ की बात नहीं, न अनर्थ संहिता।
मैंने वो बात को मान लिया, मैं भी बताता वो सही है। ये क्या है, ये सारे प्राणियों को देख लिया तो, गोत्र जात पात देख लिया तो सर्वश्रेष्ठ होता है क्षत्रिय वांशिक लोग, लेकिन सारे देवमानों में से श्रेष्ठ होता है तथागत भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध ने ये सूत्र उपदेश से दो कारण अच्छा से समझाए हैं। एक है इस जन्म तथा अगले जन्म में सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे उत्तम होता है धर्म। दूसरा कारण है ये संसार की जो प्राणी मानव कोई भी धरती नष्ट होने के बाद भी फिर बन जाने का तरीका। भगवान बुद्ध ये सब कुछ विशेष ज्ञान से ही बताए हैं, उन्होंने ध्यान करके उसी विशेष ज्ञान से ही बताए हैं। आजकल बहुत सारे लोग यंत्र सूत्र की मदद से, नल की मदद से, ये सभी लोग ये सूर्य चांद तारका देख करके अलग अलग प्रकार की बात बोलते रहता है। सभी लोग लड्डू खाना जैसा वैज्ञानिक लोगों का बात तुरंत विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध 2500 साल पहले इससे भी आगे बात बताए, लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं भगवान बुद्ध मतलब कोई नॉर्मल आदमी है, बड़ा नहीं है, मानव है, ऐसे लोग सोचते हैं। इतना ज्ञान किसको जान पाएगा। लेकिन भगवान बुद्ध के सुंदर उपदेश से समझ में आता है इस जन्म तथा अगले जन्म में सबसे श्रेष्ठ होता है धर्म। अगर हम लोगों का जीवन में भी कभी भी श्रेष्ठ हो गया तो श्रेष्ठ होता है सिर्फ धर्म। ऐसे है तो हम लोग जो कुछ करना है तो धर्म करना चाहिए, अधर्म नहीं। धार्मिक से ही जीवन बिताना चाहिए, अधार्मिक से नहीं। ये सूत्र अज्ञान्य सूत्र हैं। ये सूत्र अच्छी तरह से आपको सुनने में आ गया, ये भगवान बुद्ध अच्छी तरह से बताया। इसी सूत्र के अनुसार अच्छे से समझ में आता है ना कोई ईश्वर, ना कोई ब्रह्म, ना कोई देवता ये धरती बनाया है, ना कोई ये धरती बनाया। हेतु कारण से ये सब कुछ होता है। शुरू शुरू में हम सभी लोगों का शरीर प्रकाश जैसा था, समय के अनुसार बदल गया, फिर धीरे धीरे भगवान बुद्ध की उपदेश के अनुसार धीरे धीरे उम्र खत्म हो रहा है। उम्र खत्म होने का कारण क्या है, मन गंदा होना। मन गंदा होने के कारण उम्र खत्म होते जा रहा है। भगवान बुद्ध निरंतर बताए हैं अविद्या से बंधन होके, तृष्णा से, इच्छा से बंधन होके रहने वाले मानव का, प्राणी का अंत नहीं दिखाई देता है। अविद्या निवरणानं सत्तानं तन्हा संयोजनानं पुब्बा कोटिन पञ्ञायते। इसलिए हम लोग के सूत्र उपदेश को अच्छी तरह से समझना चाहिए, समाज के हम लोग समझना चाहिए। इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों जन्म में सबसे श्रेष्ठ होता है धर्म। इसलिए ये बात आप हम सभी लोगों को जीवन में उतार के सभी लोगों को उत्तम चार आर्य सत्य प्राप्त करने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।